दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के पर। दोस्तों आज है 4 अप्रैल, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग में लेटेस्ट बड़ी भर्ती की अपडेट जारी हो चुकी है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ सफाई कर्मचारी की भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, और साथ ही साथ विधानसभा में भी सीधी बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट intsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्कूल लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है। 750 वैकेंसीज निकली है, 25,500 लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास प्लस डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। SC BC WS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 आवेदन शुल्क है। EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। फिजिकली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ssfb.punjab.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे कल से। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 अप्रैल 2021 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 29 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही निकली है। पोस्ट इसमें मास्टर कैडर टीचर की 135 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 10,300 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट और बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 47 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर एप्लीकेशन फीस की जाए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, educationrecruitmentboard.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, जन स्वास्थ्य विभाग PhD। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट निकली है। 899 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 56,100 से 177,500 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो MBBS डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 38 वर्ष आयु सीमा है। ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस है। बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है। फीस पेमेंट आप कर सकते हो डिमांड ड्राफ्ट से। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, arogya.maharashtra.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 20 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी पंजाब नेशनल बैंक PNB के अंतर्गत निकली है। स्वीपर की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी के लिए वेरियस पद खाली है। 14,500 से 28,145 सैलरी प्रति माह के लिए है। 5वीं 8वीं 10वीं पास और अनपढ़ कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
18 से 24 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। शॉर्ट लिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। गुरुग्राम हरियाणा जॉब लोकेशन है, PNBIndia.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है विधानसभा में। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन अटेंडेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट निकली है। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सेली टेलीफोन अटेंडेंट और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 25,500 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 19,900 सैलरी प्रति माह के लिए है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 17 से 42 वर्ष है। फीस आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, haryanaassembly.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 15 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट है। वेरियस पद खाली है। 16,880 सैलरी प्रति माह के लिए है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। SC ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा मेन रिटर्न एग्जाम, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है, USSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर RO समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO सहायक समीक्षा अधिकारी की। 337 पद खाली है। 9,300 से 34,800 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी WS कैटेगरी के लिए ₹125 आवेदन शुल्क है। SC ST EX सर्विसमैन जो UP के हैं ओनली उनके लिए ₹65 शुल्क है। PH कैंडिडेट के लिए ₹25 है। पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। UPSC.UP.NIC.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 अप्रैल थी उसको बढ़ाकर अब 5 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 5 अप्रैल कर दी गई है। फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट भी 8 अप्रैल 2021 कर दी गई है। प्री एग्जाम की डेट 8 अगस्त 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 4 अप्रैल 2021 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।